खबर सिरौंज से। भाजपा के पार्षद प्रतिनिधि नगर पालिका में बैठे धरने पर। सिरौंज नगर पालिका में पीएम आवास हो रहे भ्रष्टाचार, बैठे धरने पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों का पुलिंदा थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोई न कोई हितग्राही अपनी शिकायत लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंच रहा। नगर पालिका में पीएम आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सिरौंज भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद प्रतिनिधि तोषमणि पंथी ने नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर नगर पालिका के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में इंजीनियर और एआरआई की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी घोटाला किया जा रहा, जिसकी बीपीआर में नाम नहीं, उनके खाते में पीएम आवास की राशि डाल दी गई। वहीं पंथी का आरोप लगाते हुए कहा, दोनों अधिकारियों के शहर में एजेंट फैले हुए हैं, वहीं इन एजेंटों के माध्यम से दलाली की जा रही है, जिसके चलते गरीब जनता परेशान, काफी परेशान है। वहीं उन्होंने कहा, प्रतिदिन हजारों गरीब मजदूर अपना किश्त डलवाने के नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तोषमणि पंथी। क्या है आप? मैं पूर्व पार्षद हूँ, वर्तमान में मेरी पत्नी 3 बार से पार्षद है यहाँ पर नगर पालिका परिषद। अच्छा, आज किस चीज़ को लेकर धरने पे बैठे हैं? ये अभी कुछ महीने पहले परिषद का गठन हुआ है, उससे पहले परिषद नहीं थी। 2 साल तक इन कर्मचारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में भारी घोटाला किया। इनकी आंखें नहीं खुली, इनको किसी बात का डर नहीं है, वही काम फिर से कर रहा है। शासन का पैसा ऐसे लोगों के खाते में डाल रहा है जो हितग्राही पात्र नहीं है। इनके एजेंट सक्रिय हैं, यहाँ कर्मचारी एजेंट हैं, 10-10 हज़ार रुपये लेके लोगों के खातों में पैसा डलवा रहे हैं ये लोग। और गरीब आदमी जो बैठे हैं परेशान हो रहा है, 2-2 साल से छत नहीं डली इन लोगों की। इन्होंने, ये इंजीनियर है कुशवा, इसने DPR चेंज किया, और एक और इससे पहले कुशवा जी के पास चार्ज था, उन्होंने भी DPR चेंज किया। इन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों को जेल जाना चाहिए। इन्होंने कलेक्टर महोदय की सूची में से नाम काट के अपने चहितों के नाम लिखकर उनके खातों में 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए डाले हैं, और आज भी वही कंडीशन है। जो लोग पैसे देकर इनको जाते हैं, उनके नाम चुपचाप खातों में डाल दिए जाते हैं पैसे। पार्षदों ने जो सूची दी, एक वार्ड से लेकर 21 वार्ड तक के पार्षदों की सूची पर ध्यान न करते हुए इन्होंने अपने जो जिनसे कमीशन लिया, एजेंट थे, इनने पैसा लिया, उनके लोगों के नामों के खातों में पैसे डाले हैं। भारी भ्रष्टाचार है, गरीब आदमी यहाँ पर परेशान हो रहा है। अब हमारी परिषद बन चुकी है, मैंने सुबह विधायक जी को भी फ़ोन लगाया था, उनने उठाया नहीं, उनको भी अवगत कराऊंगा इस बात से। और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। गरीब जनता का पैसा हम खाने नहीं देंगे इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गरीब व्यक्ति पक्के मकान में रहे, लेकिन ये भ्रष्टाचारी कर्मचारी जिनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, इनका पेट भर नहीं रहा। 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये लोगों से ले रहे हैं, अपात्र लोगों से पैसे लेकर उनके खातों में पैसा डाल रहे हैं, शासन के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी इन्होंने 1,81,00,000 रुपये डाला है, किसी पार्षद को पता नहीं, जो पार्षदों ने सूची दी थी उनको भी कोई जानकारी नहीं है, और इन्होंने अपने चहेतों के जिनसे पैसा लिया उनके खातों में पैसे डाले हैं। इसकी जांच होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। हाँ, ऐसे कितने हितग्राही होंगे लगभग जो सुपात्रता में नहीं लिया गया? बहुत सारे हितग्राही हैं। जब ये पुलंदा खुलेगा तो ये सिरौंज में बहुत भारी भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास का निकलेगा। भाजपा के पार्षद प्रतिनिधि वो धरने पर बैठे हैं सर, क्या मामला है पूरा? उनका कहना है कि उन्होंने जो हितग्राहियों के आवास के हितग्राहियों किस्त के लिए नाम दिए थे, उनका भुगतान नहीं हुआ है, किसी अन्य का कर दिया, जबकि ऐसा नहीं। हम दिखवा रहे हैं, जांच करा रहे हैं कि 862 की DPR के किसी व्यक्ति का भी भुगतान नहीं किया गया है। उनके द्वारा अधिकांश 862 DPR के भुगतान के लिए कहा गया है, तो हम अभी प्रक्रिया में है। ये अभी शेष हितग्राहियों के भुगतान में बहुत जल्दी एक दो दिन में अपन करेंगे। सर, ये अभी लिस्ट दी थी सर, आपको कह रहा है कि ये लिस्ट दी थी उसके हिसाब से भी अभी पेमेंट नहीं हुआ दूसरे खाते में? तो उनकी डिमांड लिस्ट है कि इनका कराना है, मगर उस डिमांड लिस्ट में अपन को प्रक्रिया का पालन, पहले जांच करानी होती है कि इनके जियो टैग है कि नहीं है, ये सब चीज़ें करने के बाद अपन करना होता है। और शासन से भुगतान पैसा राशि जो आती है वो भी DPR वाइज आती है, तो अपन को ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस्तों का भुगतान करना होता है। खबर भारतवर्ष के लिए सिरौंज विदिशा से धर्म सिंह दांगी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि
खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।